बनाने जा रहे हैं। आज बनाने चिल्ली पोटैटो। यहाँ पे हमारी दीदी है जो हमारी हेल्प करवाएगी सब्जियाँ कटवाने और सारी चीजें करवाने में। मैं तो पहली बार ही फ्राई कर रही हूँ। सही है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से फर्स्ट टाइम के तो फ्राई हो चुके हैं। वह मैंने और फ्राई करेंगे और थोड़े सा ज्यादा ही बनाएंगे क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी ज्यादा बड़ी है और हमने पहली बार अपनी फैमिली से कुछ बनाने जा रहे हैं। हाँ सभी हमारे फ्राई हो रहे हैं फ्राइज और जब ये फ्राई रहेंगे तब हम इन्हें इनकी ग्रेवी में डालेंगे। फ्राई हो चुकी है और अब हम इसके अंदर शेजवान सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और पोटैटोस डालेंगे। गाइस अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 2 स्पून शेजवान सॉस। एंड विनेगर। अपने घर में नई नई डिश बना के खिलाएंगे पहली बार, तो मजे आने वाले हैं। रेडी है, इसके अंदर हम डालेंगे पोटैटोस। आज इस घर में मास्टर शेफ पैदा हो चुके हैं। या मुझे अपने फैमिली के रिएक्शन देखने कि उनके रिएक्शन क्या होंगे, हमने इतनी फेवरेट डिश बनाई है। गुनगुन पहली बार बनाने जा रही है। गुन अब से इसका नाम चेंज करके हम रहते हैं गुनगुन का शेफ। गाइस चिली पोटैटो रेडी हो चुके हैं और मेरा तो इन्हें देख के खाने का मन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं इन्हें अपने बड़े पापा और बड़े मम्मी को दिखाऊंगी और चलो पहले सर्व करते हैं। हाँ और हमें लगता है कि उन्हें अच्छे लगेंगे वो। हाँ क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके बनाए हैं। हाँ अपनी पूरी जान दांव पे लगा दी। चलो फिर अब उनका रिएक्शन लेते हैं कि उन्हें कैसे लगे। हाँ जाओ। सो फाइनली हमारी मेहनत भी सफल रही। सबको अच्छा लगा और ये आप अपने घर पे ही ट्राई कर सकते हो, पर हमने रेसिपी नहीं बताई। हाँ बोलिए। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं साहिल के रूम पे और बहुत लोगों ने मेरा रूम भी नहीं देखा तो रूम भी दिखा देते हैं। और इस लड़की को तो आप देखते ही रहते हो, नाच नहीं रहती है। मुझे ये सबसे अच्छी जगह लगती है नाचने के लिए, एकदम खाली। हाँ छोटा सा बेड। रुक जा।
मजा आ गया। मैं पूरा फैल के सो गया, मेरे को सोने ही नहीं देते। गाइज आप सब ना कमेंट करके एक बात बताना कि आप में से कौन कौन इतना लेजी कि कोई बेड पे ही लेट जाता है, फिर तो कोई उठता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं एक हूँ, मैं लेट जाती तो फिर उठती ही नहीं। अरे भाई इसकी बातें तो बहुत वाई है लेजी वाली। और एक बार तो इसका बर्थडे था, इसने कब कौन सा मंगवा रही थी, लेजी पांडा। अरे और 500 रुपये का कब था, और उसके रिव्यूज बताइए कैसे थे। इतने लिखा था, मेरे को ये अच्छा लगा कि उसके साथ एक चम्मच मिली थी। और एक कमेंट था जिसपे आता यू वो तो है, मेरे तो मजे ही आ रहे सब तो लेते ले। हाँ एक चम्मच फ्री मिल गया यार। तो गाइस अब आ चुकी है मेरी गोली लेने की बारी। कौन सी फाइनली अभी इसको देखेगी, क्या पता ये देख के छोटी हो जाए, क्या पता ये पेट में खुद ही चले जाए, हो सकता है। काश होता इसे उंगली में डालूं, ऐसे बस हल्का सा उंगली पे रखूं और गोली अंदर डिसॉल्व हो जाए। वाओ व्हाट अ लॉजिक, पेट में साइंटिस्ट को ये बात सुननी चाहिए और जरूर इसका कोई हल निकालना चाहिए। आई एम द आइंस्टाइन या द आइंस्टाइन। वाओ रीबर्थ ऑफ आइंस्टाइन या यहाँ पे कम होती है। वो देखो व्हाट डू यू वांट मैन, व्हाट डू यू वांट। इधर खिसका दे यार, इधर ये देखो कैसे सो रहा है ये। खिसक गया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वी मिस समथिंग। क्या हुआ इसका, क्या हुआ वो पानी उलट दिया इसने, मुंह से पानी निकाल दिया। क्या हुआ, दवाइयां अब मुझे लेनी है। तो ले अभी छोड़, एक तो ना पहले अभी तुम मैं चॉकलेट खा ली ना, आप किस खाने जा रहे। अरे मत किसका काट मुझे आती आएगा। क्या पता ढीली हो जाए, वैसे वो ढीली हो रही है थोड़ी नीचे से। हाँ कभी बैटिंग कर रहे होते हैं वो। हाँ और उसको 50 साल गोली खाने का टाइम। ओह गोली नहीं खा रही, पानी पिए जा रही है। आधा पानी साइड में से निकल रहा है मुंह से। गोली तो रख मुंह में, रख ली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल फाइनली। पानी पी लिया दब के। गाइस कमेंट्स में ये भी बताना कि किस किस को गोलियां लेने में मैक्सिमम 1 या 2 गिलास पानी लग जाता है, क्योंकि मुझे तो 2 गिलास लग ही जाते हैं। है ना दीदी, 2 गिलास तो लग जाते हैं। गाइस हमारे घर में दवाइयों की डिस्कशन चालू हो चुकी है और पता नहीं कब तक चलेगी, शायद 12:30 तक तो ये दवाइयों की डिस्कशन चलेगी। उसके बाद बस थोड़ा बहुत चलना फिरना होगा, उसके बाद हम सो जाएंगे। यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। And thanks for watching.